सो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात किया सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, और इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की। हमने अलग अलग केसेस देखे थे, हमने अलग अलग कंडीशन देखी थी। हम अगर किसी थीटा एंगल पर किसी थीटा एंगल पर अगर टेंशन फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, तो पहले हम छोटा सा एक डेरिवेशन देख लेते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में किया भी है, पर फिर भी हम यहाँ न्यूमेरिकल के साथ में एक डेरिवेशन देख लेते हैं। ये हमारा सर्कुलर मोशन है किसी पार्टिकल का वर्टिकल प्लेन में, और अगर वो थीटा एंगल पर पहुँचता है तो थीटा एंगल पर वेलोसिटी कितना होगा? वेलोसिटी होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। चूंकि हम यहाँ पर वर्क पावर एनर्जी देख रहे हैं, और ये वेलोसिटी हमने फाइंड किया है यूजिंग वर्क कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, और h का वैल्यू यहाँ पर हमने लिखा था r इन द ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। ओके, अगर ये एक्सप्रेशन कैसे आया है आपको समझना है तो आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। यहाँ पर आर की जगह आप एल भी यूज़ कर सकते हो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, अगर हम टेंशन की बात करें तो यहाँ पर टेंशन कितना होगा? तो टेंशन में हमने देखा था कि ऊपर लग रहा है यहाँ पर टेंशन टी, और एम जी का एक कंपोनेंट दैट इज एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। ओके, तो टेंशन टी कितना होगा? टेंशन टी होगा एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा। ओके, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। यहाँ पर वी का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, है ना, यहाँ पर आर की जगह पर एल यूज़ कर सकते हैं, तो वी का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, टी इज इक्वल टू वो होगा एम यू स्क्वायर माइनस 2gL इन द ब्रेकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, ये यू का वैल्यू हमने पुट किया है, डिवाइडेड बाय एल, ओके, प्लस एम जी कॉस थीटा। ओके, इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, तो टी इक्वल टू मिलेगा एम का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एम यू स्क्वायर बाय एल, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2mg प्लस, यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा विल बिकम 3mg cos थीटा। तो ये एक्सप्रेशन आपको बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है, ताकि जब न्यूमेरिकल में इसका यूज़ करना हो तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकें, क्योंकि उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हमारे सामने है। क्वेश्चन में गिवन है अ बॉब ऑफ पेंडुलम एट रेस्ट is given a sharp hit to impart the horizontal velocity 10 root 10 gl, where l is the length of pendulum and find the tension in the string. हमको find करना है when string become horizontal. Okay, तो first part हम solve कर रहे हैं। सबसे पहले tension का formula आपको याद रखना है, और u का value यहाँ पर हमारे पास में root 10 gl given है। अगर हमने first part solve करना चाहा कि जब हॉरिजॉन्टल हो जाए, जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाए, मतलब कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो टी कितना आएगा? टी होगा एम बाई एल, और यू स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 10 जी एल। यू स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 10 जी एल माइनस 2mg माइनस 2mg प्लस 3mg cos थीटा। तो थीटा का वैल्यू 90 पुट करना है, और cos 90 कितना होता है बताइए? cos 90 कितना होता है? ज़ीरो होता है। तो ये तो हो जाएगा ज़ीरो, और यहाँ l से l भी कैंसिल हो जाएगा, तो 10 में से दो गए तो कितना बचा भैया, है ना, 8। तो 8mg कितना होगा? 8mg आंसर कितना आएगा? 8mg। बी वाला पार्ट देखते हैं, है ना, बी वाला पार्ट देखते हैं। बी वाले पार्ट में बॉब एट हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पर अगर हम देखेंगे
तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, पूरा गोल घूम के वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो टेंशन होगा एम 10 GL, ओके, डिवाइडेड बाय एल माइनस 2 mg प्लस 3 mg, और कॉस 180 डिग्री माइनस 1 होता है ना। तो ये हो जाएगा 10 mg माइनस 5 mg, दैट इज इक्वल टू 5 mg। तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ पर टेंशन है 5 mg के बराबर। सी वाला पार्ट देखते हैं। द स्ट्रिंग मेक एंगल 60 डिग्री विथ अपवर्ड वर्टिकल, ओके, तो अपवर्ड वर्टिकल के साथ में 60 डिग्री बना रही है। मान लेते हैं यहाँ पहुँच गया, जस्ट अ मिनट, अपवर्ड वर्टिकल के साथ में 60 डिग्री बना रहा है ना। तो ये अपवर्ड वर्टिकल के साथ में अगर 60 डिग्री है, तो यहाँ पर ऊपर वाला एंगल अगर 60 डिग्री है, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60 है ना, मतलब 120। 180 माइनस 60 मतलब कि 120 डिग्री, और कॉस 120 कितना होता है? -1/2। तो सी वाला पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। टी इज इक्वल टू एम इंटू 10 g, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, -2 mg माइनस 3 mg 1/2। यहाँ पर माइनस हमने आगे ले लिया है क्योंकि कॉस 180 का वैल्यू -1/2 होता है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 mg माइनस 3/2 mg। तो 16 - 3 दैट इज इक्वल टू 13 mg 2 है ना, इतना टेंशन होगा। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखा जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ किया। अब हम बात कर रहे हैं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर।